अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे साथ बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम मसाला चिकन रोल की रेसिपी लेके आए हैं, जिसमें ये हमने ये चिकन लिया है, ये पत्ता गोभी ली है, ये शिमला मिर्च है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, रेड मिर्च है, और ये मसाला जीरा और धनिया, ये ब्लैक मिर्च है, ये नमक है, और ये लेमन लिया, और इसमें ये सोया सॉस जाएगी। अब हम इसको चूल्हे पर इसको फ्राई करेंगे। अब हम चूल्हा जलाते हैं। चूल्हे को हमने जला लिया है, ये हमने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं हमने डालना, बस हल्का हल्का हमने चीज़ों को फ्राई करना है। इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन को हम भून लेंगे, इस तरह से कच्चापन दूर कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। अब हम चिकन डालेंगे इसके अंदर, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, इसको इसका कलर जब तक वाइट नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, अब इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे, ये ब्लैक मिर्च हमने डाल दी, ये मसाला जो वो डाल दिया, ये रेड मिर्च है, और ये नमक हसब ज़रूरत डालें जितना आप पसंद करते हैं। इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर हम पानी डालेंगे इसको गलाने के लिए, ताकि ये चिकन जो है गल भी जाए अच्छी तरह और ये भून भी जा सके। चिकन माशाल्लाह भून चुका है और गल भी गया है। अब इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें डालते हैं, ये हम डालेंगे शिमला मिर्च, इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, ये हम ज़रूरत के मुताल के लिए डालेंगे जितनी हमें चाहिए। सारी चीज़ें हमने डाली हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे। अब इसके अंदर हम लेमन डालेंगे दो तीन, चिकन माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह गल गया, और चीज़ें जो हमने अंदर डाली हैं उसको हमने ज़्यादा नहीं पकाया, बस उनका हमने क्रिस्पी रखा है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, फिर हम रोल बनाएंगे। ये हमने पट्टियाँ ली हैं बाज़ार से रेडीमेड बड़ी हुई, तो एक आगे वक्त की बचत हो जाती है, घर में भी बना लेते हैं, लेकिन हमने बड़ी बनाई ली है। अब इसको हम रोल बनाएंगे, ये हमने काट ली है, ये बड़ी थी, इसको हमने दरमियान से काटा है, इनको ऐसे दो दो पीस कर लिए हमने इसके। अब हम बनाएंगे रोल, ये रोल की फिलिंग है, ये इसके अंदर हम रखेंगे ऐसे, घर में भी हम पट्टियाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, उसकी भी रेसिपी हम देंगे जल्दी। ये इस तरह हम बनाएंगे ये, और ये हमने लई तैयार की है, ये चार चम्मच हमने मैदा लिया और पानी से हमें अच्छी तरह इसको धो लिया। अब ये हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, इस तरह हम इसको बंद करेंगे सारे रोल को। ये इससे हम ऐसे इधर को फोल्ड करेंगे, इस तरह ये अंदर से फिल्म जो होती है वो बाहर ही निकलती है और अच्छा बन जाता है। इधर से भी हम ऐसे करेंगे और इसको हम ऐसे हाथ से इसको हम रोल करते जाएंगे। माशाल्लाह इतना अच्छा रोल बन गया ये, इसी तरह हम लई लगा के इसको हम उसे बंद कर देंगे, ये निकलेगा नहीं, बहुत अच्छा रोल बनाएंगे। इसी तरह हम ये सारे रोल जो इसी तरह हम बना लेंगे।
ये रोल सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब घी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर रोल डालते हैं। चूल्हा हमने दरमियाना रखा है, ना हमने ज़्यादा किया है और ना कम, दरमियाने आँच पे हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। रोल माशाल्लाह एक तरफ से गो हो गए गोल्डन, अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। दोनों तरफ से हम इनका एक जैसा कलर लाएंगे, फिर हम इनको निकालेंगे। माशाल्लाह रोल फ्राई हो चुके हैं, बड़ा इनका अच्छा कलर आया है और बड़े ये क्रिस्पी बने हैं और बड़े स्पाइसी भी होंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे रोल सारे फ्राई हो चुके हैं और बड़े क्रिस्पी बने हैं। अब हम ये एक रोल आपको काट कर दिखाते हैं। माशाल्लाह ये इतना अच्छा है, ये इसके अंदर हमने जो फिलिंग भरी है बहुत मज़ेदार है, बड़ी स्पाइसी है। माशाल्लाह हमने सारे रोल फ्राई कर लिए और बड़े क्रिस्पी और स्पाइसी बने हैं। साथ हमने ये चटनी बनाई है। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।